बच्चों, ये कहानी है एक जंगल की और जंगल के राजा शेर की। शमशेर जंगल का राजा था, पर कुछ दिनों से उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया था। वो जंगल में इधर उधर ढूंढता रहा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। इतनी बड़ी और अंधेरी गुफा है, यहाँ जरूर कोई न कोई जानवर रहता होगा। आज इसको ही खाऊंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलेगा, मैं एक झपट्टे में उसको पकड़ लूंगा। तो फिर शमशेर वहाँ कुछ लंबी लंबी घास के पीछे छुप गया और देखता रहा, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई आया ही नहीं। शेर भी इंतजार करते करते थक गया। अरे क्या बात है, इतनी देर हो गई, कोई निकला ही नहीं और इतनी धूप पड़ रही है, मैं तो काला हो जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवर अंदर हो ही नहीं? ऐसा करता हूँ, गुफा के अंदर ही जाकर देख लेता हूँ। हिम्मत करके शमशेर गुफा के अंदर जाता है। वहाँ कोई नहीं मिलता, बस एक कोने में कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ कोई रहता तो जरूर है, जरूर वो कहीं बाहर खाना ढूंढने गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे गुफा के अंदर ही बैठकर इंतजार करता हूँ। जैसे ही वो आएगा, मैं एक झपट्टे में उसको पकड़ लूंगा। शेर फिर से काफी देर तक अंदर इंतजार करता रहा। फिर बाद में वहां लंगड़ू गीदड़ आया। वो लंगड़ू की ही गुफा थी। उफ, बहुत थक गया हूँ, चलो अब घर पे जाके आराम किया जाए। लंगड़ू गुफा के अंदर जाने ही वाला था कि उसको शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। हाय अल्लाह, ये निशान, ये पैरों के निशान तो किसी बड़े जानवर के लग रहे हैं। मेरे पैर तो छोटे हैं उनके सामने। अगर अंदर कोई हुआ तो जाऊं कि ना जाऊं? हाँ, एक उपाय। लंगड़ू फिर गुफा के मुंह के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, गुफा, अरे वो गुफा, कैसी हो तू? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गुफा, अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? आज चुप क्यों है? अगर तू बात नहीं करेगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। अभी भी चुप है? नहीं बोलेगी मुझसे? ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूँ, चला जा रहा हूँ मैं। गुफा कहाँ बोलने वाली थी, पर अंदर शमशेर बैठा था। वो सोच में पड़ गया। अरे ये गुफा से क्यों बात कर रहा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुफा बोलती है और मुझे देख के शर्मा रही है? अब अगर ये चला गया तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। एक काम करता हूँ। फिर क्या था, शमशेर को भी एक तरकीब सूझी। अरे रुको रुको, जाओ मत, मैं तो बोलने ही वाली थी, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? अंदर आ जाओ। अच्छा, बड़ी देर से बोली थी गुफा, बहुत समय लगाया। अच्छा ये बता कि तेरी आवाज आज बदली बदली से क्यों लग रही है? अच्छा आवाज, अरे वो क्या है ना, आज मेरा गला खराब है और थोड़ी खांसी भी हो गई है। खैर तुम अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। फिर क्या था, लंगड़ू कहाँ वहाँ रुकने वाला था। वो फौरन उल्टे पैर वापस भाग गया और कभी लौट के नहीं आया। अरे जवाब दो, कहाँ गए? मैं बोल तो रही हूँ, कोई है?
कोई है क्या बाहर? शमशेर बोलता रहा पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। कुछ देर बाद शमशेर बाहर देखने आया और उसे कोई नहीं मिला। चला गया, आज मेरी किस्मत ही फूटी है। सुबह से कुछ नहीं मिला और जो मिला वो भी हाथ नहीं लगा। चलो कहीं और देखा जाए। तो बच्चों, ये थी शमशेर और लमड़ू की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था, मनोहर। मनोहर बहुत मेहनती इंसान था और मन लगा के खेती करता। वो अपने खेत के लिए बहुत दूर से पानी लाया करता था। उसके पास दो विशाल घड़े थे जिनको वो डंडे पे बांध कंधे पे रख के नदी से पानी भर के लाया करता था। आह, कितनी धूप निकल रही है और गर्मी भी है। आज खेत की बुआई करता, सफाई भी। ये पानी पहुंचाने का काम हो जाए तो बाकी करता हूँ, बहुत काम है। लेकिन जब मनोहर खेत पे पहुंचा और उसने घड़ों में देखा, अरे ये कैसे हुआ? एक घड़े में पूरा पानी है और एक घड़ा तो सिर्फ आधा ही भरा है। ओ, मतलब एक घड़ा फूटा हुआ है। लौटकर आते आते पानी आधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब नदी का एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मनोहर रोज नदी के दो चक्कर लगाने लगा। मनोहर को दुगनी मेहनत करता देख उसके साबुत घड़े को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, अरे फूटे, देख तेरी वजह से मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तू आधा पानी नीचे गिरा देता है और मालिक को दोबारा पानी लाना पड़ता है। ऐसा सुन के फूटा घड़ा बहुत उदास हो गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी रोज देखता हूँ और मालिक की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। अगले दिन जब मनोहर पानी भरने के लिए जाने लगा तो उसने घड़े के रोने की आवाज सुनी। उसने उससे कारण पूछा। मालिक, तुम रोज इतनी मेहनत से पूरा पूरा पानी भर के लाते हो, लेकिन मेरे फूटे होने की वजह से मेरा आधा पानी तो बह ही जाता है। मैं चाहकर भी पानी को रोक नहीं पाता। इससे अच्छा तो आप मुझे कहीं लेके ही ना जाओ, कम से कम आपकी मेहनत तो कम लगेगी। अरे मेरे प्यारे घड़े, तुमको इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारा आधा पानी बह जाता है? लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत काम के घड़े हो। अच्छा एक काम करो, आज जाते वक्त तुम ध्यान से देखना कि हमारे आसपास क्या क्या उगा हुआ है, फिर काम हो जाने के बाद हम बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुमको अपनी काबिलियत पे गर्व होगा। तो मनोहर अपने दोनों घड़ों को लाद कर पानी भरने के लिए निकल गए और फूटे घड़े ने देखा कि उसके आसपास तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और बहुत हरियाली है। वापस लौट के उसने मालिक से पूछा। मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने देखा कि हमारे रास्ते में कई तरह के फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है। ये सब पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से आई? पर इनसे मेरा क्या वास्ता है, मैं तो अभी भी एक फूटा हुआ घड़ा हूँ जो अपने मालिक का आधा ही काम कर पाता है। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। मुझे जब समझ आया कि मेरे एक घड़े से पानी गिर रहा है, वो फूटा है और रास्ते भर पानी फैलाता हुआ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाए। ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी और तुम्हारी तरफ से एक श्रमदान होगा। और अब देखो वहाँ कई फूल लगे हुए हैं जो पूरे रास्ते को महका रहे हैं। इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा वजन भी हल्का लगने लगा है। इन पे अनेक तितलियाँ आके फूलों का रस लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मेरे नन्हे दोस्त। क्या सच? हाँ, याद रखो
अगर हम अपनी कमी को पहचान कर उसे कुछ अच्छे उपयोग में ला सके तो वो कमी कमी नहीं रहती। जैसे तुम्हारे गिरे हुए पानी ने पूरे रास्ते को सुंदर बगीचे में बदल दिया। ये कहानी है सदियों पुरानी। एक राज में एक बड़े ही रहता था। उसकी कला में जादू था। वो सब कुछ बना लेता था, सुंदर सुंदर घर, पुल या ऊंची मीनार। वो और उसकी बीवी काफी समय से एक संतान की आस में थी। सुनते हो, क्या पता हमको संतान कब होगी। भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारे साथ है। मुझे विश्वास है कि वो हमारा दुख दूर करेगा और हमें भी संतान का सुख देगा। और फिर उनकी बात सच हुई। वो जल्द ही माँ बाप बनने वाले थे, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। उनके राज्य में एक बहुत बुरी बीमारी फैली, प्लेग की। बड़े की बीवी भी बीमार हो गई, बहुत बीमार। सुनो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है और पूरा शरीर दुख रहा है। कहीं मैं अपने बच्चे को देखे बिना न मर जाऊं। ऐसी बात मुंह से ना निकालो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस आराम करो और मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ओ प्लीज जल्दी ले आओ, मेरा तो दम निकला जा रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ। वैजी, वैजी, जल्दी चलो। माफ करना, बहुत बुरा प्लेग फैला है, सब लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं है इसका। तुम चलो, मैं जल्दी ही अपने मरीज निपटा के आता हूँ तुम्हारे घर पे। मेरी प्यारी बीवी। मुसाफिर, तुम इतने परेशान हो। मेरी बीवी प्लेग से बीमार है, वो मर जाएगी, अपने संतान को जन्म दिए बिना ही मर जाएगी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उसको हमेशा से बच्चा चाहिए था, और अब जब सब मुमकिन हो रहा था कि ये बीमारी क्या कहा, बीमारी, संतान, आहाहा, तुमको बेटी ही होगी। मुझे हमेशा ही बेटी की ख्वाहिश थी, तो करते हैं हम सौदा। ये तोड़ोगे तुम ना कभी जिसे, दूंगी मैं एक औषधि जादुई, पीते ही जिसे ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीवी। लेकिन बदले में देनी होगी अपनी बेटी जैसे ही वो जन्म लेगी। बड़ई उस जादूगरनी से की बात से घबराया तो, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसने जादूगरनी की बात मान ली और उससे औषधि लेके घर गया। जान, उठो और ये औषधि पी लो जल्दी से, इसमें जादू है, इसको पीते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ओ, तुम आ गए, मुझसे सहन नहीं हो रही, बहुत तकलीफ। ओ, बस कोई जादू ही हो जाए। फिर जैसे ही उसकी बीवी ने वो औषधि पी, सबकी आंखों के सामने ही उसकी तबीयत ठीक होने लगी। वो खुशी से बोली,
मेरे प्यारे पति, मैं फिर से अच्छा फील कर रही हूँ, पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब मैं जीऊंगी, अपनी संतान के लिए जीऊंगी। आखिरकार वो जादूगरनी की बात सच हुई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, नन्ही सी बेटी जो इतनी सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे मानो सोने के ही बने हो। फिर बड़ई ने भी उसको जादूगरनी से बचाने के लिए एक तरकीब निकाली थी। उसको पता था कि वो उसे लेने जरूर आएगी, इसीलिए उससे बचने के लिए उसने एक बहुत बहुत ऊंची मीनार बनाई थी जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी और एक छुपा हुआ द्वार जो सीढ़ियों से ऊपर जाता था। मीनार जंगल के बीचों बीच थी और सिर्फ उसको और उसकी बीवी को उसके बारे में पता था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो चुड़ैल कभी ये जगह नहीं ढूंढ पाएगी। हम अपनी बेटी को यहीं छुपा के रखेंगे और वो चुड़ैल आए भी तो हम नहीं कहेंगे कि कोई बेटी जन्मी है। फिर एक दिन जब वो जादूगरनी उनके घर आई, उसने बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोले कि बच्चे के जन्म के साथ ही मर गई। पर ये सुन के जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। तुम झूठे मक्कार लोग, तुमने सोचा मैं बेवकूफ हूँ? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और ऐसा कहके वो जादूगरनी ने अपने जादू से वो पति पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो दोनों बुत बन गए हमेशा के लिए। सो जाओ सदा के लिए। मुझे पता है तुमने मेरी बच्ची को छिपा के रखा है और मैं अपने जादू से ढूंढ लूंगी। तो मेरी प्यारी मैजिक बॉल, बताओ तो सही, कहाँ है मेरी होने वाली बेटी? ले चलो मुझे वहाँ। और मीनार पे पहुँचने के बाद जादूगरनी ने वो द्वार तोड़ दिया और ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसे पता चला कि ये एक चाल है। वो सीढ़ियों पर पैर रखते ही गिरने लगी। वो बहुत तेज भागी, किसी तरह से वो बचती हुई ऊपर तक पहुँच गई। वो बदमाश, वो मुझे अपनी मक्कारी से मारना चाहता था, पर मैं तो फिर भी जिंदा हूँ। फिर उसने नन्हे बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी माँ और तुम हो रपंजल। रपंजल हो तुम, प्यारी रपंजल, तुम बहुत सुंदर हो, अपने नाम जैसी ही, और मैं तुमको इस जालिम दुनिया से बचा के रखूंगी। बहुत दूर तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी मेरी बच्ची। और फिर कई साल बीत गए। जादूगरनी रपंजल का ख्याल रख रही थी और वो भी अब बड़ी हो रही थी। बहुत घने लंबे सुनहरे बाल थे उसके, जैसे कि उगते सूरज की किरण। रपंजल रपंजल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और जादूगरनी का इतना बोलना भर था कि ऊपर से रपंजल ने अपने लंबे बाल नीचे गिरा दिए और फिर वो जादूगरनी उसको पकड़ के ऊपर खिड़की तक चढ़ के आ गई। ओ माँ, मुझे कब बाहर जाने को मिलेगा? बाहर सब इतना सुंदर है, मुझे भी दुनिया देखनी है। रपंजल ने बाहर देखते हुए उदास मन से पूछा। नहीं रपंजल, मैंने मना किया ना।
कुछ नहीं है बाहर तुम्हारे देखने जैसा, बहुत खतरनाक लोग होते हैं बाहर। तुम इस मीनार में ही सेफ रहोगी, हमेशा हमेशा। जादूगरनी मीनार के पर्दे बंद करते हुए बोली। फिर कुछ साल और बीत गए और वहाँ से एक राजकुमार गुजरा, एक जवान और सुंदर राजकुमार। न जाने कैसे जंगल में अपने घोड़े पे भटकता हुआ वहाँ पहुँच गया। तभी उसे एक मधुर गाने की आवाज आई, वो खुद को रोक नहीं सका और खींचा चला गया। और फिर उसने देखा कि एक सुंदर सी प्रिंसेस है जो मीनार के ऊपर खिड़की में गाना गा रही है। उसने मीनार को देखा, ना कोई द्वार, ना ऊपर जाने का कोई रास्ता। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में। इतनी मोहक आवाज, मैं ऊपर कैसे जाऊं, कैसे इस लड़की से मिलूं? और फिर राजकुमार ने इधर उधर देखा पर उसे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो हार के वापस अपने महल लौट गया। अपने मन में ऊपर जाके उस लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की को मिलने की ख्वाहिश लेकर। लेकिन अगली ही सुबह फिर राजकुमार उसी जगह पे पहुंच गए उस लड़की को एक झलक देखने के लिए। इत्तेफाक से तभी वो जादूगरनी भी वहां आई थी। रपंजल रपंजल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और रपंजल के बाल गिरते ही वो जादूगरनी उनको पकड़ के ऊपर चढ़ गई। ओह, तो ऐसे जाते हैं ऊपर। और समझ के वो सुंदर राजकुमार अपने महल वापस लौट गया। और उसी दोपहर वो राजकुमार वहां मीनार पे पहुंच गया और उस जादूगरनी की आवाज बनाते हुए बोला, रपंजल रपंजल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और उसकी तरकीब काम कर गई। रपंजल ने अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे फेंक दिए और वो उनको पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा। रपंजल अचानक एक अजनबी को खिड़की से अंदर घुसता देख के घबरा गई, पर राजकुमार ने उसे प्यार से समझाया, अरे तुम मुझसे डरो मत मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने तुम्हारी मधुर आवाज सुनी और मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम इतना अच्छा गाती हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मेरा एक ही मकसद है कि तुमको अपनी रानी बना लूं, अगर तुम इजाजत दो तो। ओह शुक्रिया, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अभी नहीं, काफी देर हो चुकी है, रास्ता तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। मैं कल आऊंगा, तुम तैयार रहना, मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके चलूंगा। राजकुमार ने उसे वादा किया और उसके हाथ पे किस करके विदा ली। वो रपंजल के बाल पकड़ के वापस नीचे उतर गए। फिर अगली सुबह सुबह वहाँ जादूगरनी आई, उसने आवाज दी और रपंजल ने अपने बाल फेंके। रपंजल नींद में ही थी। उसने जादूगरनी को खींचा और जब वो अंदर आ रही थी तब रपंजल के मुंह से गलती से निकला, माँ तुम उस खूबसूरत राजकुमार से भारी कैसे हो? क्या खूबसूरत राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पीछे यहाँ इस घर में क्या चल रहा है? मुझसे छिपके किसी से मिल रही हो तुम, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत नाज है तुम्हें इन बालों पे, नहीं मैं इनको काट देती हूँ और तुमको तपते रेगिस्तान में भेज देती हूँ। और कुछ
कुछ देर बाद जब वो राजकुमार रपंजल से मिलने मीनार पे पहुंचा, जादूगरनी ने अनजान राजकुमार की बात का फायदा उठाया। रपंजल, रपंजल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और ऐसा बोल के जब राजकुमार ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ सुंदर रपंजल नहीं है बल्कि जादूगरनी है। रपंजल अब यहाँ नहीं रहती, तो तुम ही हो वो कपटी राजकुमार जिसने मेरी बच्ची को अपनी बातों में फंसाया है, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये बोल के वो बुरी जादूगरनी ने राजकुमार को डरा के मीनार से नीचे गिरा दिया। और राजकुमार कांटों की झाड़ी में गिर गया। उसकी आंखों में भी कांटे चुभ गए और अंधा हो गया। वो कुछ देख नहीं सकता और कई दिन तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन वो चलते चलते उसी रेगिस्तान में पहुंचा जहां रपंजल को भेजा था। राजकुमार कमजोर हो चुका था, जीने की आस छोड़ चुका था, पर तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ओह मेरे प्यारे राजकुमार, वो जादूगरनी ने तुम्हारे साथ भी पूरा किया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी रपंजल, तुम्हारी आवाज मुझे फिर तुम तक खींच लाए और अब हम फिर से मिल गए हैं। हाँ मेरे राजकुमार, पर तुम्हारी आंखें बुरी तरह घायल है। रपंजल राजकुमार को गले लगा के रो रही थी, तभी उसकी आंखों में से आंसू की एक बूंद गिर के राजकुमार की आंखों में गिरती है और फिर जादू हो जाता है। आंसू से राजकुमार की आंखें ठीक हो जाती हैं। मैं देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ मेरी प्यारी रपंजल, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे राजकुमार तुम ठीक हो गए। फिर रपंजल और राजकुमार दोनों महल गए और उनकी धूमधाम से शादी हुई और नन्हे नन्हे बच्चे भी। वो खुशी खुशी रहने लगी हमेशा हमेशा के लिए। एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा और उसकी बीवी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। भीमा अपनी मछली पकड़ने के लिए रोज सुबह निकल जाता और शाम तक जो कुछ हाथ आता उसको बाजार में बेच जाता। भीमा और उसका परिवार गरीब था, पर किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन रोज की तरह भीमा शाम को अपनी मछलियाँ बेचने के लिए बाजार गया। मछली ले लो, मछली ताजी मछली, 10 का 2, 10 का 2। अरे ओ भैया थोड़ा मछली लेके जाओ, एकदम ताजा मछली है। अच्छा देखो तो जरा। ताजा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मछली तो बहुत छोटी छोटी है, मैं ये नहीं लूंगी। और उस खरीदार ने बाजू में ही दूसरे मछुआरे की मछली देखी। ये बात, ये होती है मछली, बड़ी और शानदार, कैसी दी भैया? बस 100 रुपया मेम साहब। 100 रुपया? बहुत महंगी है। आखिरी मछली है, आपके नाम की रखी थी, बस सब बिक गई। इतनी बड़ी मछली इतने में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गई,
इसको तो मैं खा के ही रहूंगी। दे दो, ये लो 100 रुपए। थैंक यू मैडम, मेरा भी माल खत्म, मैं घर चलता हूँ। दीमा ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कहाँ वो 10 रुपए की 2 मछली बेच रहा है और कहाँ दूसरे मछुआरे ने एक ही मछली बेच के 100 रुपए कमा लिए। वो फौरन दूसरे मछुआरे के पीछे पीछे गया। भैया जी एक मिनट जरा मेरी बात सुनो, मैंने देखा आपने 100 रुपए में अपनी मछली बेच दी, एक ही मछली में इतना पैसा कमाया, कैसे करते हो? थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। आप भी सीखोगे। देख भाई याद रख, जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। अपुन अभी चलता है, बीबी वेट कर रही होगी। और ये सुन के दीना भी सोचता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। मैं भी अब स्मार्ट बनूंगा, सिर्फ बड़ा हाथ मारूंगा। अब अगले दिन सुबह ही दीना नदी में जाल डाल के बैठ गया। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई, उसने निकल के देखा तो उसमें कई छोटी मछलियां थी। अरे इतनी सारी मछली, पर ये तो सब छोटी हैं। मुझे तो बड़ी मछली चाहिए, पर ये हाथ आ गई है तो इनको भी रख लेता हूँ। दीमा मछलियाँ रखने ही वाला होता है तभी उसको दूसरे मछुआरे की बात याद आती है। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। फिर कुछ सोचकर दीमा ने सारी मछलियाँ नदी में छोड़ दी और फिर जाल लगाया और इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई। अरे जाल में हलचल हुई, निकालता हूँ, शायद इस बार बड़ी मछली हाथ लगी हो, अभी देखता हूँ। पर इस बार वैसी ही छोटी मछलियाँ थी जाल। दीमा ने फिर सारी मछलियाँ नदी में वापस फेंक दी। दीमा बड़ा खिलाड़ी है, अब सिर्फ बड़ा हाथ ही मारता है, मुझे नहीं चाहिए ये, फिर से जाल बिछाना होगा। अभी वक्त है, जरूर कुछ हाथ लगेगा। फिर भीमा इंतजार में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और जाल में फिर से हलचल हुई। हिला, जल्दी निकाल भीमे, बड़ी मछली पकड़ेगा आज तू, 100 रुपया कमाएगा। लेकिन हर बार के जैसे ही इस बार भी सिर्फ छोटी ही मछली फंसी थी जाल में। हाँ, फिर से वही, नहीं चाहिए मुझे छोटी मछलियाँ, फेंक दो इन्हें। फिर से जाल लगाता हूँ, अब तो वक्त भी निकला जा रहा है, उम्मीद है जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। दीमा अब जाल डाल के बैठा रहा पर रात तक भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ वापस घर लौटा। उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सुना पड़ा और वहाँ बाजार में मंगू अकेले मछली बेच रहा था। मछली गया, 150 की 1, 150 की 1। भैया जी कल ही तो 100 की लेके गई थी आपसे, आज इतना भाव क्यों? मैडम जी मार्केट में सप्लाई नहीं है, अक्खे मार्केट में मछली सिर्फ मेरे पास मिलेगा, 150 का ही भाव लग पाएगा, अपुन भी पीछे ज्यादा पैसा देके लेता है। ठीक है लो 150 रुपया और वो वाली दे दो। तो बच्चों इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच करने से नुकसान ही होता है, हमको जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए, किसी दूसरे की अच्छी चीज देख के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और आपका प्रतियोगी आपको सही सुझाव दे ऐसा जरूरी नहीं है। ये कहानी है बहुत पुरानी। एक फार्म पे रहते थे एक नाना और एक नानी। उनकी कोई संतान नहीं थी पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे।
अजी सुनती हो, मैं फार्म पे जा रहा हूँ जानवरों को खाना देने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वाह, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आ जाओ, मुझे इंतजार रहेगा। और ये कहके नाना काम पे चले गए और नानी सोचने लगी कि क्या बनाना है। आज मुझे बेकिंग करनी है। मुझे चाहिए मैदा, थोड़ा बटर, खूब सारी चीनी। अरे ये अदरक कब से रखा है? इसका कुछ नहीं बनाया तो ये खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं जिंजर ब्रेड बनाऊं? मजेदार अदरक वाली जिंजर ब्रेड। इतना ही नहीं, मैं आदमी के शेप वाला जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। पहले आटा तैयार किया, अब इसको एक इंसान के शेप में काट देते हैं। गंजा जिंजर ब्रेड मैन, बिल्कुल इनके जैसा। अब चॉकलेट से दो गोल गोल आंखें और ये प्यारी वाली स्माइल। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब बेकिंग के लिए तैयार है। इसको अवन में रख देते हैं। फिर अब रुकना होगा। वक्त हो गया, हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब पक के तैयार होगा। निकालते हैं। ये हमने इसे अवन से बाहर निकाला। थैंक यू, अंदर कितनी गर्मी थी, अब ठीक लग रहा है। अरे रुक रुक, जा किधर रहा है तू? भाग गया तो मेरे पति क्या खाएंगे? मुझे पकड़ेंगे तो खाएंगे ना। ये मैं चला। पकड़ो पकड़ो, कोई तो पकड़ो। और तभी जिंजर ब्रेड मैन पूरे जोर से वहां से भागा, घर के बाहर निकल गया, घास में होता हुआ खेत की तरफ। नानी भी उसका पीछा कर रही थी। मेरा यम्मी जिंजर ब्रेड, मैं आज तुझको खा के ही रहूंगी। मैं हूँ नन्ना जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और जिंजर ब्रेड मैन भागता हुआ फार्म तक पहुँच गया। वहाँ उसको नाना जी ने देखा। उन्होंने देखा कि नानी भी पीछे पीछे भाग रही है, तो वो भी पीछा करने लगे। अरे पकड़ो उसको, यही तुम्हारा सरप्राइज है, एक जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर ब्रेड तो मेरे फेवरेट है, पर ये भाग क्यों रहा है? मैं इसको पकड़ लूंगा। इन बुड्ढी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। रुको मेरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन। मैं हूँ नन्ना जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर वो नन्ना जिंजर ब्रेड खेत में बकरियों के पास पहुँचा। मैं खाऊंगी इसे, इसे मस्त खुशबू आ रही है, मुझे तो भूख लगने लगी। चलो बच्चों, इसको पकड़ के खाएंगे। मैं हूँ नन्ना जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। नानी नाना के बाद अब बकरियां भी पीछे लग गई, पर जिंजर ब्रेड बहुत तेज था। वो आगे आगे, सब पीछे पीछे। फिर वो जिंजर ब्रेड मैन पहुंचा मुर्गियों के पास। इसमें अनाज है, ये हमारा खाना है, इसको हम खाएंगे। चलो मुर्गियों।
जबरन जो सबसे तेज भागे, सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ, दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मुर्गियाँ भी पीछे लग गई। अब चंचुदन निकला घोड़ों के आगे से तेज भागता हुआ। ये खुशबूदार केक भाग रहा है, मीठा तो हमको भी पसंद है, हम तो इसको खाएंगे। सबसे तेज तो घोड़े ही भागते हैं, पकड़ लेंगे। रहो नन्ना जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे, सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ, दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। घोड़ों को देखते ही जिंजरब्रेड मैन ने और तेज भागना शुरू कर दिया। कोई पकड़ नहीं पाया, बहुत दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वह पहुंचा एक नदी के किनारे। भाई इसमें तो पानी है, इसमें नहीं जा सकता मैं, क्या करूं। वही पास में बैठी थी मेनका मगरमच्छ। जिंजरब्रेड मैन को देख के उसके भी मुंह में पानी आ गया। अरे प्यारे जिंजरब्रेड मैन, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? आगे मत जाना, घुल जाओगे। अरे वो लोग मुझे खा जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए हैं वो सब। हाँ हाँ सुना मैंने, तुम्हारा गाना भी सुना, पर मैं तुम्हें बचा लूंगी माय फ्रेंड। मैं नदी में तैर सकती हूँ और तुमको उस पार ले जाऊंगी। पर तुम क्यों मेरी मदद करोगी? क्योंकि मैं हूँ मेनका मगरमच्छ, सबकी मदद करती हूँ और सब मेरे दोस्त है। खैर मुझे अब जाना होगा, तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये इतनी बुरी तो नहीं लगती है, मैं इसकी पीठ पर बैठूंगा तो ये मुझे खा भी नहीं पाएगी। अच्छा चलो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ। और फिर जिंजरब्रेड मेनका की पीठ पर बैठ के गया। वो लोग नदी में चले गए, बाकी सब जिंजरब्रेड मैन के पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंच गए। फिर उसको मगरमच्छ के पीठ पे बैठ के जाता देख उदास हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में, अरे तुम तो काफी भारी हो, पूरे 1 किलो हो गए। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, तुम अगर मेरे सर पे आके नहीं बैठे तो डूब जाओगे। हम मगरमच्छ अपनी पीठ ज्यादा देर पानी के ऊपर नहीं रख पाते। सर पे बैठना पड़ेगा? अच्छा चलो ठीक है, तुमको तकलीफ तो नहीं दे सकता। और जिंजरब्रेड मैन मेनका के सिर पे बैठ गया। फिर जल्द ही, ओह पर अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा, बिल्कुल आंखों के बीच में। ऐसे तो मैं नहीं तैर पाऊंगी, तुम एक काम करो मेरी नाक पे बैठ जाओ, तब ठीक रहेगा, जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। नाक पे? उफ। ठीक है पर जरा धीरे से, मैं गिर ना जाऊं। और घबराता हुआ जिंजरब्रेड मैन मगरमच्छ की नाक पे बैठ गया। ये हुई ना बात, अब ये लो। और मेनका मगरमच्छ ने इसको हवा में उछाला और फिर मुंह में दबा लिया और खा गई। यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। क्या सोचा था मुझसे जीतोगे? मेनका मगरमच्छ सबसे तेज है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी शारीरिक तेज होना काफी नहीं होता, दिमाग से भी जीता जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।